जय हिंद दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से जितना भी लाभार्थी है सभी लाभार्थी के लिए फाइनली गुड न्यूज आ चुका है। क्योंकि दोस्तों किसान सम्मान निधि का स्टेटस पर एफटीओ प्रोसीड की जगह नो लिखा रहे, एफटीओ प्रोसीड की जगह नो लिखा रहे, तो दोस्तों एफटीओ प्रोसीड यस का जो काम है ऑलरेडी जारी हो चुका है। अगर आपको 4-5 इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, 12वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, 13वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, तो दोस्तों इसी वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना तरफ से जल्दी मिलने वाला है पैसा, और किसान सम्मान निधि योजना तरफ से प्रोसीड का जो काम है एफटीओ प्रोसीड, इसका काम ऑलरेडी जारी कर दिया है। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले और एक अपडेट दिया था, जिस अपडेट में मैंने सभी किसानों को बताया था कि एफटीओ प्रोसीड का जो काम है जल्दी शुरू होने वाला है, और जिस किसान का नो आ रहा है उसी तरह किसान का जल्दी यस आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आएगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस को ओपन कर लीजिए। अगर आपका अभी तक एफटीओ प्रोसीड की जगह नो लिखा रहे तो दोस्तों एफटीओ प्रोसीड नो लिखा रहे तो दोस्तों आपको एफटीओ प्रोसीड आने का चांस है या नहीं, और जिस किसान का एफटीओ प्रोसीड यस आ चुका है लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है उसी तरह किसानों को कब पैसा मिलेगा, इसका कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आप सबको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप किसान सम्मान निधि योजना का जो भी स्टेटस है स्टेटस को ओपन कर लीजिए। दोस्तों किसान सम्मान निधि स्टेटस पर आने के बाद देखिए सबसे पहले आपको जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। दोस्तों लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर अगर आपको 13वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है तो दोस्तों आप इसमें 13वीं इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। 13वीं इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको लिखा होगा एफटीओ प्रोसीड यस। अगर आपको इसमें एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है इसका दोस्तों क्या होगा ये तो हम जानेंगे। जिस किसान का यस आया है उसी तरह किसानों को बात करने वाला है। देखिए एफटीओ प्रोसीड जिस किसान का नो आ रहा है उसी तरह किसानों को अगर इसमें बता 13 इंस्टॉलमेंट डन, इसका मतलब आपको 100% पैसा जारी हो चुका है। अगर आपका इसमें एफटीओ प्रोसेस की जगह यस बता रहे हैं लेकिन इसमें बता रहे पेमेंट प्रोसेस, मतलब अभी तक इसमें 13 इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट अभी तक डन नहीं लिखा रहा है लेकिन पेमेंट प्रोसेस में, इसका मतलब आपका पैसा 1-2 दिन के अंदर 24 आवर्स से लेकर 48 घंटा के अंदर आपका पैसा अकाउंट पर 100% जारी मिलेगा और 100% मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका एफटीओ प्रोसेस की जगह यस आ रहा है 2 से 3-4 दिन हो चुका है तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, हम गाइड जरूर करेंगे। आप लोग आधार नंबर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास लॉगिन है, एक्सेस है, हम आप सभी का काम कर सकते हैं। दोस्तों आप ही बात करते हैं जिस किसानों का एफटीओ प्रोसेस की जगह नो लिखा रहे उसी तरह किसानों को क्या होगा। देखिए मेरा बहुत काम है जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपडेट दे नहीं पा रहा हूं। दोस्तों 2-3 दिन मेरा ऑफिस का ज्यादा काम बढ़ चुका है और दोस्तों कल संडे है, मैंने बिल्कुल फ्री हूं। अगर आपको कोई भी गाइड चाहिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम गाइड देने के लिए कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है मैं कल लाइव आ सकता हूँ किसान सम्मान निधि योजना का अपडेट को लेके। बहुत सारे किसानों को ये कहना है कि मेरा सब कुछ सही है पैसा नहीं मिला है, ये सभी जानकारी हम लाइव में बात करेंगे। कल संडे है, मैं लाइव आने के लिए कोशिश करूंगी। दोस्तों अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट के साथ साथ आपको रिप्लाई देने के लिए हम कोशिश करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिस किसान का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट अपडेट में एफटीओ प्रोसीड की जगह नो लिखा रहे उसी तरह किसानों को क्या होगा। देखिए उसी तरह किसानों को जल्दी इसमें एफटीओ प्रोसीड की जगह यस होने वाला है क्योंकि दोस्तों सभी किसानों के लिए काम शुरू हुआ है, एक एक करके आपको भी चाहिए होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो रुका हुआ इंस्टॉलमेंट है देखिए एक साथ सभी किसानों को मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, एक एक करके मिलेगा। और दोस्तों एफटीओ प्रोसीड का काम ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अगर आपका स्टेटस पर इलिजिबिलिटी स्टेटस पर सब कुछ सही है तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको 100% पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका एफटीओ प्रोसीड की जगह नो लिखा है और इसमें रीजन ऑफ एफटीओ प्रोसीड नॉट प्रोसीड के जगह ब्लैंक आ रहा है तो दोस्तों आप 100% निश्चित रहिए, आपको 100% एफटीओ प्रोसीड यस आएगा। अगर इसमें आपको नॉट एलिजिबल, इनएक्टिव, डेड कुछ भी लिखा रहे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उसी तरह किसानों को क्या करना होगा हम उसके बारे में हम दूसरा और एक टॉपिक में बात करने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।